किचन स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता, जो कि टेस्टी होगा, यम्मी होगा। तो चलिए, इसके लिए हमने एक बाउल पास्ता लिया है जो कि सूजी से बना हुआ है। इसके साथ ही हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी देख लेते हैं। हमने थोड़ी सी फली ली है जो कि लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। एक गाजर का पीस लिया था, उसको छील कर कट कर लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च के पीस लिए हैं। आधी प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। चार लहसुन की कलियां ली थी जिनको छील कर कट कर लिया है। अब हमने एक बर्तन में, कढ़ाई में, हमने पानी बॉयल होने के लिए रखा है। इनको बॉयल करने के लिए, पास्ता को बॉयल करने के लिए हमने पानी कढ़ाई में बॉयल होने के लिए रखा है। तो चलिए, पहले हम लोग बॉयल करने के लिए रख देते हैं इनको। कढ़ाई में पानी लगभग गरम अच्छे से हो गया है और अब ये बॉयल होना स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग बॉयल करते समय थोड़ा सा डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट इसलिए डालना है ताकि ये बॉयल होते समय इनके अंदर तक सॉल्ट पहुंच जाए, ताकि इनका टेस्ट कुछ बने, क्योंकि इनका अपना तो कोई टेस्ट होता नहीं है। इसलिए बॉयल होते समय सॉल्ट डाल देंगे ताकि अंदर तक सॉल्ट पहुँच जाए। इसके साथ ही थोड़ा सा हम लोग ऑयल या फिर घी, जो भी आप चाहें, वो हम लोग इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा डालना है, लगभग इतनी छोटी चम्मच से हम लोग थोड़ा सा डाल देंगे। ज़्यादा डालेंगे तो इन पर, पास्ता पर एक कोटिंग बन जाएगी, और कोटिंग बनने से जो हम व्हाइट सॉस बनाएंगे वो अंदर तक इसमें नहीं जा पाएगा। इसलिए इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ऑयल या घी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी डालनी है, ताकि ये चिपके ना एक दूसरे से। पानी बॉयल होने लगा है, देखिए अब हम लोग इसमें ये पास्ता डाल देंगे। और पास्ता को हम लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है बॉयल करते समय, कि हमें 80% ही इनको बॉयल करना है, 100% बॉयल नहीं करना है। हल्की सी इनको कट करते समय वाइटनेस जो रहती है वो बचा रहना चाहिए। अगर हम पूरा कुक कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से खिले खिले नहीं बनेंगे, एकदम से मिक्स हो जाएंगे। तो पहली बात हमने ये बताई है आपको कि उबालते समय हमें सॉल्ट डालना है, उबालते समय थोड़ा सा घी या तेल डालना है, जिससे इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग बन जाए हल्की सी, और ये चिपके ना। ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो कोटिंग ज़्यादा बन जाएगी और हम लोगों के सॉस उस पर अच्छे से लेयर नहीं बनाएगा। तीसरी चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है कि इनको बॉयल करते समय सिर्फ 80% ही बॉयल करना है। चलिए, एक साइड ये बॉयल होते हैं, दूसरी साइड हम इनके आगे की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे का बनाने के लिए हमने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। गैस को हमने स्लो टू मीडियम पर ऑन कर लिया है। इसमें डालेंगे हम छोटे चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच होती है उससे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और जो अब हमने वेजिटेबल्स ली हैं उनको हम लोग फ्राई करेंगे। तो ऑयल को गर्म हो जाने देते हैं। थोड़ा सा हम लोग चीज़ भी लेंगे, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज इसके भी कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है हम लोगों का, इसमें हम लोग जो हमने अनियन ली है वो डालेंगे, और इसके साथ ही हम लोग इसमें गार्लिक भी डाल देंगे, और इनको 1 मिनट हम लोग भूनेंगे। हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा इनको भूनना है। ऑयल में आ जाए इनका। अब हम लोग इसमें जो हमने फली काट कर रखी है वो भी डाल देंगे, और गाजर डालेंगे, इसके साथ ही जो शिमला मिर्च हमने ली है वो भी हम लोग डाल देंगे। सभी को मिक्स करके हम लोग 1 से 2 मिनट इनको पकाएंगे। हल्का सा सॉफ्टनेस हो जाए इनमें, बस
देखिए हमारी कुक हो गई हैं, गैस को करेंगे बंद और इनको निकालेंगे एक बर्तन में। पास्ता हम लोगों के 80% जो हमें कुक करना थे वो हो चुके हैं। हम आपको दिखा देते हैं एक पीस निकाल कर। इसमें से हमने एक पास्ता का पीस लिया है, इसको हम कट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें अभी ये टाइट से कट रहा है, नॉर्मल ये आराम से नहीं कट रहा है। और इसमें ये देखिए हल्का सा ये वाइटनेस है इसमें भी, तो इसी स्टेज पर हम इन्हें छन्नी में निकाल देंगे। हमने पास्ता छन्नी में निकाल कर उसका गर्म पानी साइड कर दिया है और अब पास्ता को हमने एक ठंडे पानी के बाउल में डाल दिया है जिससे इनकी कुकिंग रुक जाए। यदि हम इनको ठंडे पानी में नहीं डालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमने ठंडे पानी में डाल कर रख दिया है, अब इनका पानी भी हम लोग एक छन्नी से निकाल देंगे। अब हम लोग रेडी करेंगे व्हाइट सॉस। तो इसके लिए हमने गैस पर एक पापा से पैन चढ़ा लिया है। पैन में हम लोग 3 चम्मच डालेंगे बटर, सॉल्टेड बटर है। जितनी चम्मच हम लोग बटर डालेंगे इसमें उतना ही हमें मैदा भी डालनी है। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच बटर लिया है, अब 3 चम्मच ही हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि बटर और मैदा की क्वांटिटी सेम रहनी है, तभी हम लोगों का जो व्हाइट सॉस है वो अच्छा बनेगा। हमने 3 चम्मच बटर लिया है सॉल्टेड और 3 चम्मच ही हम लोग इसमें मैदा डालेंगे। हमने क्वांटिटी सेम रखी है, मेजर करके ली है। अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे। गैस को स्लो फ्लेम पर करके हम लोग 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे ताकि मैदा का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। ये मैदा अच्छे से भुन गई है, हमने इसको भून लिया है। गैस को स्लो फ्लेम पर ही रखा था। अब हमने लिया है इसमें 200 ग्राम 200 ml मिल्क, बॉयल मिल्क है, और इसको हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से चलाएंगे। गैस को स्लो फ्लेम पर कर लेंगे ताकि इस पर लम्स ना बने। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ रही है और अभी हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में भी बताएंगे कि कब आपको ये पता लग जाएगा कि कंसिस्टेंसी हम लोगों की एकदम परफेक्ट आई है। बस कंटिन्यू इसको चलाते रहना है। लीजिए ये देखिए बनकर रेडी हो गया है। इसकी थिकनेस परफेक्ट बना या नहीं ये चेक करने के लिए हम लोग इसमें एक स्पून डालेंगे। देखिए इस तरह से हम लोगों को स्पून डालनी है और इस पर ये देखिए स्पून पर एक कोटिंग आ गई है। यदि आपको इस तरह की कोटिंग आए और ये स्लिप ना हो इससे तो समझ लीजिए कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। यदि ये थिक हो तो थोड़ा सा मिल्क या वाटर डालकर गर्म इसको थोड़ा सा पतला कर लें, यदि पतला हुआ है तो थोड़ा सा पका लें। और इतनी कंसिस्टेंसी हम लोगों को इसकी चाहिए है। अब हम लोग इसमें डालेंगे सॉल्ट, स्वाद अनुसार डालना है, और इसके साथ ही हम लोग थोड़ा डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। थोड़े से इसमें हम लोग चिली फ्लेक्स भी बाद में डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए व्हाइट सॉस हम लोगों का बनकर रेडी हो गया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हमने पास्ता रखा है, इसको मिक्स कर देंगे। और अब अच्छे से चलाएंगे, हल्के हाथों से चलाना है।
देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी हैं वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। और इनको भी मिक्स कर देंगे। हल्के हाथों से करना है ताकि पास्ता हम लोगों का अच्छे से बना रहे। और इसको हम लोग 2 से 3 मिनट पका लेंगे ताकि अच्छे से पास्ता अंदर तक इसमें सॉस का टेस्ट पहुंच जाए। अब हम लोग डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच ओरिगेनो, जिससे इसका टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। थोड़े से डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इनको भी मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है और इसको हम लोग एक प्लेट में सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने एक प्लेट ले ली है। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ, विद टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हमने आपको आज पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता बनाना बताया। यदि आपको आज के पास्ता बनाने की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही प्रोत्साहन मिलता है, सीखने को मिलता है। अब थोड़े से चिली फ्लेक्स ऊपर से इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी ओरिगैनो डालेंगे डेकोरेशन के लिए। उससे पहले हम लोगों ने जो चीज़ कद्दूकस करके रखा है वो हम लोग डाल देंगे। इससे व्हाइट सॉस पास्ता बहुत रिच हो जाएगा। आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से इस पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। लीजिए पास्ता हम लोगों का बनकर रेडी हो गया है। यदि आपको आज की व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।